मिथिला में आज देखिए 24 घंटे में दरभंगा पुलिस ने स्कॉर्पियो कांड का किया उद्भेदन। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ का तालाबंदी के बाद धरना समाप्त। सर्जना निखार कार्यक्रम का उद्घाटन, चलेगा एक महीने तक यह प्रशिक्षण। तेज आंधी बारिश ने दिया मिथिलांचल वासियों को गर्मी से राहत। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ वो सब का ख्याल रखती है, हर कदम पे साथ निभाती है, जिंदगी को खुशियों से सजाती है और अपने सपने भी सच करना चाहती है। ये है आज की नारी, सर्वगुण संपन्न। जैसे आनंद भोग आटा, बेहतरीन गेहूं से बना, घर में पिसे आटे जैसा शुद्ध, सेहतमंद और स्वादिष्ट। आनंद भोग आटा है सर्वगुण संपन्न। सी टीवी मिथिला में आपका स्वागत है, मैं हूं सुनील भारती। स्कॉर्पियो लूट कांड में दरभंगा पुलिस द्वारा 24 घंटे में इस मामले को उद्भेदन कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में 12 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। 28 मई को दरभंगा के हॉस्पिटल रोड निवासी लाल बाबू प्रसाद के पुत्र राहुल कुमार से स्कॉर्पियो किराए पर ले जाने हेतु मांग की गई, जिस पर राहुल कुमार ने स्कॉर्पियो देते हुए अपने चालक दरभंगा जिला के बिशनपुर गढ़ियारी नया टोला निवासी शिवम दास के पुत्र चतुर दास को दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाने के लिए भेजा। बाद में गाड़ी चालक का कोई पता नहीं मिलने पर राहुल के पिता लाल बाबू दास ने लहरियासराय थाना में 30 मई को प्राथमिकी दर्ज कराई। इसी दौरान स्कॉर्पियो चालक का शव मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट थाना अंतर्गत 57 के करीब 500 मीटर सिंहवाड़ा जाने वाली सड़क के किनारे मिला। दरभंगा के तेज तर्रार एसएसपी ने 24 घंटे के भीतर मामले का पर्दाफाश कर दिया। घटना का उद्भेदन करने वाले टीम में सदर डीएसपी अनुज कुमार, लहरियासराय थाना अध्यक्ष बेता एवं डीआईयू शाखा के पुलिसकर्मी शामिल है। अंदाम नहीं, गाड़ी पहले बुक किया गया, उसके बाद फिर गाड़ी भाड़ा में गया, उसके बाद इसका प्लान था गाड़ी से छीन लेने का, तो उसके बाद फिर सिचुएशन गंभीर हो गया, फिर उसको हत्या कर दिया। हम ड्राइवर थे तो हम गाड़ी चला कर चले गए, आइए उसका सहायता किया था। तो कहाँ पे जाके तुम लोग? इसका नाम रवि कुमार है, इसका नाम राकेश कुमार है, मेरा नाम मनीष कुमार है। तो कैसे हत्या क्यों की थे? सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया था, सिचुएशन कुछ खराब हो गया था, जैसे जिन लोगों को लगा कि हम पकड़े जाएंगे तभी हमला कर दिया उसके। क्या क्या सिचुएशन खराब हो गया था? जैसे कुछ पब्लिक को लगा से आप इन लोगों को लगा से अब हम पकड़े जाएंगे, उसके बाद इन लोग उनका हत्या करके जल्दी से साइड में लगा दिया। तो तुम लोग ये योजना कैसे बनाते थे? योजना सर फर्स्ट बार था कि मिस्टेक हो गया, पता नहीं ये लोग कैसे कैसे कर दिया। फर्स्ट बार कितने में गाड़ी को बुक किए थे? अरे 1000 रुपये प्लस तेल बुक हुई थी। कहाँ जाने के लिए? मुजफ्फरपुर। स्कॉर्पियो गाड़ी को मोबाइल पर बुक किया गया था। जब मालिक ने ड्राइवर को वाहन मुहैया कराया तो उसको मुजफ्फरपुर के गायघाट क्षेत्र में गाड़ी को लूट लिया गया और ड्राइवर की हत्या कर दी गई। ये मामला जब रिपोर्ट हुआ इसके बाद एक टीम का गठन किया गया और 24 घंटा के अंदर वाहन की बरामदगी और कुल 1 दर्जन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य हैं, जैसे घटना में प्रयुक्त मोबाइल, अपराधियों का खून लगा हुआ जींस, जूता, टी शर्ट सभी इनके घरों से बरामद हुए। एफएसएल की टीम के द्वारा साक्ष्यों का संकलन पूर्ण किया गया है, वैज्ञानिक अनुसंधान हम लोग इसको कराएंगे और इसी टीम के द्वारा स्पीडी ट्रायल करा करके शीघ्र सजा हो या सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जाए। इन लोगों सर आपराधिक अब बिल्कुल इसमें 3 का आपराधिक इतिहास है, अन्य का हम लोग पता कर रहे हैं। तीन में कौन कौन है? ये मनीष और उसका भाई का आपराधिक इतिहास है, राकेश का आपराधिक इतिहास है और इसमें से 3 लोग मुजफ्फरपुर के हैं
अमन, पंकज और शहद कुमार, जहाँ से वाहन की भी बरामदगी हुई है, इनके भी सारे आपराधिक रिकॉर्ड हम लोग संभाल रहे हैं। हत्या का कारण था कि स्कॉर्पियो को लूट लेना। प्रथमता है जो स्कॉर्पियो लेने के लिए अपराधियों ने ड्राइवर से बोला कि आप है जो हमको गाड़ी चलाने दीजिए। ड्राइवर बोला कि मालिक के अनुमति के बिना हम आपको नहीं दे सकते। तो ड्राइवर के प्रतिरोध के बाद उसको चाकू मारा गया और अंत उसकी हत्या की। सीटीवी मिथिला का सदर प्रखंड मुख्यालय पर दिखा असर। मुख्यालय पर शौचालय और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा नहीं थी, जिसको सीटीवी मिथिला न्यूज चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था। इस बात को संज्ञान में लेते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने शौचालय तथा पेयजल के लिए निर्माण कार्य शुरू करवा दिए है, तथा जदयू नेता बलदेव राम ने इस खबर के असर के लिए सीटीवी मिथिला का शुक्रिया अदा किए है। सीटीवी दरभंगा जो मिथिलांचल का टीवी है, मैं उनको अपने ओर से और सदर प्रखंड के निवासी की ओर से और खास करके जो आरटीपीएस काउंटर पर जो लाभार्थी आता उनको ओर से मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। सीटीवी न्यूज के इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि विकास के आयना के रूप में न्यूज चैनल लोकतंत्र का चौथा खम्मा तो है, लेकिन देश दुनिया का विकास का मुख्य आयना अगर माना जाए तो वह मीडिया होता है। उसी के आड़ में विगत 15 दिन पूर्व सीटीवी की ओर से एक विजुअल चलाया गया कि सदर प्रखंड मुख्यालय प्रांगण में आरटीपीएस काउंटर पर आए लाभार्थियों के लिए शौचालय और पेयजल के काफी असुविधा है, जिसको मैं जदयू के होने के नाते हमसे पूछा गया और हमने भी आश्वासन दिया था कि नीतीश कुमार की सरकार है और इस सरकार में सिर्फ मामला संज्ञान में आने की ही आवश्यकता है। अगर जब मामला संज्ञान में आया तो यह इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और उसका देन है कि आज सदर प्रखंड मुख्यालय में शौचालय निर्माण हो रहा है और चापाकल के भी जो आधारशिला होता है कल स्थानीय विधायक संजय सराफ जी भी घोषणा की है, जल्द ही एक सप्ताह के अंदर में जो चापाकल और शौचालय निर्माण कार्य आरम्भ है वो चल रहा है और आने वाला समय में जो आरटीपीएस काउंटर पर जो भी इसका लाभार्थी आते हैं, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आवासीय प्रमाण पत्र हो, चाहे भी आप देख रहे हैं खाद्य सुरक्षा का राशन कार्ड के लिए जो है कि हमारे प्रखंड के माताएं बहनों बहुत जुझारू रूप से आ रहे हैं और अपना काज करा रहे हैं, वो भी नीतीश कुमार का देन है कि इस प्रखंड क्षेत्र में कोई भी काम कराने आता है उसमें 60% हमारे माँ बहन आज घर से आकर के अपना काम खुद को करा लेती है। ये बहुत बड़ा नीतीश कुमार का भी देन है और अभी फिर पुनः मैं आपका सीटीवी न्यूज को मैं अपने ओर से और अपने पार्टी जनता दल यू की ओर से एनडीए की ओर से मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उनका देन है कि आज सदर प्रखंड मुख्यालय में शौचालय निर्माण हो रहा है और चापाकल भी कराने का काम हुआ है। ये सीटीवी का न्यूज है, इसलिए मैं क्या नाम से बधाई देता हूँ। जदयू जिला अध्यक्ष जदयू महाकाली प्रकोष्ठ दरभंगा। साइंस एंड सोसाइटी इन द 21st सेंचुरी विषय पर स्पीच कंपटीशन का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड प्रभाव दास फाउंडेशन द्वारा आयोजित की गई। कट चैलेंजेस बिफोर द स्टूडेंट्स एंड इन ऑर्डर टू मीट दो चैलेंजेस स्टूडेंट कैन पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू लर्न मोर मोर एंड मोर। इट्स अ गुड एक्सरसाइज। I was told in the very beginning and I understand only the students of the different departments of Faculty of Science participated. So we can think of extending the, it could be at the university level where the students of the university campus have equal opportunity to participate. And I think the head department of Hindi who has been given the responsibility of publishing the university newsletter, quarterly newsletter after 3 months,
So he can take this kind of responsibility. He can think of organizing a series of debate on the different topics at the university level. I assure that the university will make all the resources available for doing this. This can be done. Second thing, a very unusual phenomenon. 7 winners, first, second, then jointly third, and then the Santana Puraskar to 3. Out of 7, the 6 were female. Yesterday and day before yesterday, there was a national level seminar on women's empowerment. It was being organized by the Department of Sociology. Women empowerment is very much reflected in this kind of competition. पहले डिबेट कंपटीशन हुआ है, उसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन समारोह है कि ये जो एरा चल रहा है उस एरा में विज्ञान क्या दे सकता है प्रकृति को, जिससे प्रकृति सुलभ ढंग से चल सके। किनके द्वारा कार्यक्रम किया गया है? प्रभात दास फाउंडेशन और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार झा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा छात्र इकाई द्वारा 30 दिनों तक चलने वाली सर्जरी निखार शिविर का आयोजन MRM कॉलेज दरभंगा में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा किया गया। माता सीता जी कहती है की क्या बात करते हैं आप, तकलीफ नहीं होगी इस यात्रा को करने में। 6 महिला अधिकारियों का जो परफेक्शन था, जिनका रूप में सद्भाव के रूप में कार्यक्रम के संरक्षक के रूप में महाविद्यालय के रमेश कुमार जी जो हम लोगों को प्रतिवर्ष इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, और निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम से महिला छात्राओं का या जो महिलाएं अन्य इसमें भाग लेती हैं उनके सृजनात्मक शक्ति का विकास होता होगा और होता है। मैंने अभी भी परफेक्शन की बात कही है, एक जो स्वभाव है कि सामान्य रूप से काम करने का, उससे हट करके ये तो स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का पहला तो यही है कि परफेक्शन होना चाहिए, वह सामान्य स्थिति न रह जाए, जो लापरवाही है हमारे नेचर में वह खत्म हो जाए। मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से बहुत बड़ा काम होगा और हो रहा है, गत वर्ष भी मैंने देखा था, इस वर्ष भी देख रहा हूँ। अब विशेषकर लड़कियों के लिए जो इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, यह प्रशंसनीय है और हम इसकी ये शुभकामना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अच्छा कार्यक्रम है, इसमें दो राय नहीं है, इसके माध्यम से हम छात्राओं को स्वावलंबी बना रहे हैं। अब इस तरह के कार्यक्रम में दूसरे सभी छात्राएं आप बैठी रहे अपने स्थान पे, और ये दो तरह से, एक तो राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी परिषद लोग इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करते हैं, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी अपने स्तर पर उस तरह का कार्यक्रम कर सकता है। जैसे आप लेट नाइट मिसा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो वहाँ पे एक ELSP करके है, एम्प्लॉयमेंट लिंक स्किलिंग प्रोग्राम का है, उसके लिए हम लोगों ने MOU साइन किया है स्कूल गुरु से और इस टीम लीज इसकी यूनिवर्सिटी से। उसके माध्यम से हम 500 लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट के लड़कों को, जिनका कि इंटरव्यू 2-3 जून को है। जो लड़के चाहते हैं वो इंटर कर लेंगे, जो उसमें सेलेक्ट होंगे उनको 3 साल का अप्रेंटिसशिप मिलेगा। पहले साल 10,700 रुपया स्कॉलरशिप, दूसरे साल 11,700 और तीसरे साल 12,900। और ड्यूटी यह है कि मान लीजिए डिस्टेंस एजुकेशन में कोई ज्वाइन करता है तो उसको कार्यक्रम को करता रहेगा डिस्टेंस मोड में, और 3 साल का अप्रेंटिसशिप भी देगा, पैसा उसको मिलेगा। 3 साल के बाद वो डिग्री प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, तो उसकी लेटरल एंट्री हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। तो ये कार्यक्रम हम लोग ऑलरेडी चालू शुरू कर दिए हैं, तो एक इसी से मिलता जुलता कार्यक्रम हुआ है, दूसरे विश्वविद्यालयों को और कॉलेजों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी का डेरा डालो धरना कार्यक्रम का आज अंतिम दिन था, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय कार्यालय का तालाबंदी किया गया है। इसीलिए कल 3 बजे से कुलपति के कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई थी। एक समय वार्ता बिना किसी नतीजा के समाप्त होने की स्थिति थी, फिर 1 बजे तक अगर उनकी ओर से कोई लिखित प्रारूप नहीं आता है
तो विश्वविद्यालय का सारा काम काज ठप कर दें। विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों को हम घेराव करेंगे और यह कार्यक्रम हमारा फिर आगे भी जुड़ जाएगा। यही हमारा कार्यक्रम है। हम पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से अनुरोध करेंगे, जिन बातों पर सहमति उनके द्वारा व्यक्त की गई है उसका कार्यालय आदेश निर्गत करके वो घेरा डालो डेला गायो कार्यक्रम के जो नेतृत्वकर्ता साथी हैं उनको हस्तगत करा दें, ताकि अनुकूल वातावरण बन सके और महाविद्यालय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल कायम हो सके। सर नाम और पद, नाम और पद जी। मेरा नाम है गंगा प्रसाद झा, बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष। हालांकि कर्मचारी संघ के नेता और कुलपति महोदय से वार्ता होने के बाद धरना समाप्त हो गई। दरभंगा के एसपी मनोज कुमार के आदेश पर दरभंगा में विभिन्न जगहों में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। सहयोग कराएंगे अतिक्रमण मुक्त कराने में, क्योंकि ये लगातार चलेगा, ये कंटिन्यू है। किसके आदेश पर ये सारे? एसपी साहब के आदेश पर। विगत एक सप्ताह से दरभंगा वासियों को गर्मी से परेशान का सामना करना पड़ रहा था। आज अचानक बारिश ने आंधी तूफान के साथ होने से दरभंगा वासियों को राहत की सांस मिली है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और उस पर मौसम जो इस तरह का भी माहौल हुआ है, इसमें बहुत ही अच्छा राहत महसूस हो रहा है, गर्मी से राहत मिला है और किसान भाइयों को भी फायदा होगा अगर बारिश होता है तो। और मौसम को ऐसा करवट बदला है कि अभी आप देख सकते हैं सड़क पर जो गाड़ी सब गुजर रही है तो उसमें भी रोशनी है, लाइट जला के जाना पड़ रहा है, इस तरह से बादल छाया हुआ है, पूरा अंधेरा हो गया, पूरा अंधेरा हो गया है। हालांकि दरभंगा के अलावा मधुबनी जिले में भी तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। इस बारिश में दरभंगा जिले के सदर प्रखंड के बिजली पंचायत में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं कई जगह पेड़ पौधे उखड़ गए हैं। सदर प्रखंड के सीसो पश्चिमी पंचायत भवन कार्यालय में मुखिया शमशे आलम खान की अध्यक्षता में अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के चिकित्सक अमरेश सिंह द्वारा लगभग 196 मरीज का मुफ्त जांच किया गया। मरीजों को मुफ्त में दवा, चश्मा, बस सेवा एवं भोजन भी दिया जाएगा, यह बातें कही गई। सीटीवी मिथिला में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सीटीवी मिथिला न्यूज़।